नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार रात एक भीषण हादसा हो गया। बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें बस के डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ और उसके अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट में बस धू धू कर जल गई। हादसे में बस में सवार 10 लोग जिंदा जल गए, इनके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। दुर्घटना सुबह 5:15 की है। कुछ यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नंदूर नागा के पास हुआ। बस चिंतामणि ट्रेवल्स की थी, इसमें 45 से 50 लोग सवार थे। पुलिस उपायुक्त अमोल तांबे ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। घायलों को फ्री में इलाज करवाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि सबसे ज्यादा जनहानि बस के अगले हिस्से में हुई। सुबह का समय होने के कारण ज्यादातर यात्री सो रहे थे, इसलिए उन्हें भागने का मौका नहीं मिल सका। मरने वालों में बस का ड्राइवर और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।